बेटा आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, पारस आपको आवाज आ रही है? लोकप्रिय बेटा आप बताओ, आवाज? यस सर आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो। यस सर, ठीक है, अब सही है, जब मेरे को आ रही हो आपको भी आएगी। ओके बेटा, नाउ अब बेटा आज की हमारी हेडिंग देखिए कि सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं या यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस क्या है? यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस, व्हाट इज दी टू वर्ड्स रिप्रेजेंट? यूनिट सेल कैसे कहते हैं, स्पेस लैटिस कैसे कहते हैं? ठीक बच्चों, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी, बायो का वर्ड है सेल, सुना होगा आपने। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हम उसे क्या कह देते हैं, यूनिट सेल। ठीक, और वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ने पूरी कंप्लीट बार बार रिपीट किया तो सेल से टिश्यू बने या कुछ बना, फिर पूरी बॉडी बनी है। ऐसे ही सॉलिड के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट होगी, और वो यूनिट बार बार रिपीट करके पूरा का पूरा क्या बना देती है, सॉलिड बना देती है, और उस रिपीटिंग यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल क्या है, इट इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, बट कंप्लीट यूनिट, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट विच ऑन रिपीटिशन ओवर एंड अगेन, जो बार बार रिपीट जब होगी ओवर एंड अगेन गिव कंप्लीट क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच ऑन रिपीटिशन ओवर एंड अगेन गिव कंप्लीट क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच ऑन रिपीटिशन ओवर एंड अगेन गिव कंप्लीट क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल, इज नोन एज यूनिट सेल। बेटा मनु एक सेकंड उस क्लास से मार्कर ले, ये बहुत हल्के चलते, ठीक है। तो अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, तो हमने डेफिनेशन लिख ली स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट, जरा सरल भाषा में समझो क्या है। जैसे ये घर है, मकान है, ये ईंटों के रिपीट होने से बना है, तो एक ईंट अगर निकाल के देखेंगे तो वो एक ईंट क्या कहला रही है, हमारी यूनिट है। और सिंपल पे आओ, पॉलीमर वर्ड सुना होगा आपने, जैसे इथीन का पॉलीमर पॉलीइथीन है, तो पॉलीइथीन में इथीन बार बार रिपीट हो रही, तो इथीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या कहला रहा है, यूनिट सेल। और जो रिपीट कर करके पूरा पॉलीथीन बन के तैयार हो गई उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। यानी ये जो मकान पूरा आपको बना हुआ दिख रहा है, दीवार पूरी बनी हुई दिख रही है, वो स्केलेटन पूरा क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और जिनसे वो रिपीट करके बना है वो रिपीटिंग यूनिट आपकी क्या कहला रही है,
यूनिट 10। दोनों में अंतर क्लियर है? तो अभी आपने कॉपी में लिखा है द स्मॉलेस्ट बट द कंप्लीट यूनिट विच ऑन रिपीटेशन ओवर एंड अगेन गिव्स कंप्लीट क्रिस्टल नोन एज यूनिट सेल, एंड द कंप्लीट क्रिस्टल इज नोन एज, जो पूरा क्रिस्टल बन के तैयार हुआ वो क्या कहला रहा है, एंड द क्रिस्टल इज नोन एज स्पेस लैटिस, एंड द क्रिस्टल इज नोन एज स्पेस लैटिस। तो बेटा किसी भी यूनिट सेल को अगर हम थ्री डायमेंशन में पढ़ेंगे तो ये हमारा यूनिट सेल है। बेटा इसको पढ़ने के लिए जैसे मकान में ईंट या एक ईंट को अलग किया है, तो बेटा इसको अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो किसी भी एक पॉइंट से तीन एजेस निकल रही होंगी। तीन एजेस कौन सी हैं? एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर के डायरेक्शन में। तीन एजेस होंगी, किसी एक का नाम हमने ए रखा है, एक का नाम बी, एक का नाम सी। और इन तीन एजेस के बीच में ध्यान से देखिए तीन एंगल हैं, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है सी और ए के एंगल, बी और ए, फिलहाल एक जनरल कह रहे हैं। एक एंगल हमारा अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। यानी यूनिट सेल को पढ़ने के लिए हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ कहलाते हैं छह पैरामीटर हैं। छह अलग अलग चीजें जो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? तीन एंगल के नाम से हैं और तीन एजेस के नाम से। तो यूनिट सेल की जो हमारी स्टडी होगी उसमें छह पैरामीटर हो सकते हैं, तीन एक्सेस हो सकती हैं और तीन एंगल्स हो सकते हैं। एक्सेस के नाम या एजेस के नाम क्या हैं? भाई एक्स वाई जेड एक्सेस कहते थे, लेकिन यहाँ पूरा एज कहते हैं उसे, तो ए बी सी हमने एज के नाम रख दिए हैं और तीन क्या रखती हैं? एंगल्स। कौन कौन से तीन एंगल्स हैं? अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? तो यूनिट सेल इज डिफाइंड बाय सिक्स पैरामीटर, थ्री एक्सिस एंड थ्री एंगल, या थ्री एजेस एंड थ्री एंगल। बोलो बच्चों, यूनिट सेल वर्ड समझ में आ गया और यूनिट सेल कैसे डिफाइन करना है उसके पैरामीटर क्लियर हो गए? क्या क्या पैरामीटर है ये क्लियर है? अब बच्चों यूनिट सेल में ना दो तरह के हमें मिले हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल कह लीजिए या बेसिकली डायरेक्ट कह सकते हो, क्योंकि यूनिट सेल ने रिपीट कर करके क्रिस्टल ही बनाया है। तो क्रिस्टल दो तरह के मिले हैं, एक क्रिस्टल हमारा कहलाते हैं प्रिमिटिव क्रिस्टल, एक कहलाते हैं प्रिमिटिव क्रिस्टल और एक कहलाते हैं सेंटर्ड क्रिस्टल। जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो दो तरह के हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब वो क्रिस्टल जिसमें जो यूनिट सेल है उसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे लगा है और कहीं नहीं लगा, सारे कॉर्नर पे एटम लगा है और कहीं नहीं। तो प्रिमिटिव क्रिस्टल में कॉर्नर पे लगे हैं, इन जनरल भाषा में मैं एटम बोलूंगा, लेकिन आपको मालूम है इसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हम एटम बोल के काम चलाएंगे। तो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है तो वो क्या कहलाएगा हमारा क्रिस्टल? प्रिमिटिव, या इसे जनरल भाषा में सिंपल यूनिट सेल भी कह देते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव। सेंटर्ड यूनिट सेल तीन तरह के हैं बच्चों। सेंटर्ड यूनिट सेल नाम से क्लियर है, कहीं सेंटर पे लगा होगा। तो ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल हैं ये बेटा तीन तरह के होते हैं। एक कहलाता है हमारा बॉडी सेंटर्ड, एक कहलाता है बेटा एंड, या पहले एज कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और एक कहलाता है एंड सेंटर्ड। What is the meaning of body centered, face centered and end centered? So, इसका basically मतलब है ये वो unit cell हैं जिसमें atom पहले सारे corners पे लगे हैं। जैसे ही सारे corner पे लग जाएंगे atom तो उसकी तैयार हो गई body। जैसे मान लिया हमने ये हमारा unit cell था, तो अगर ये unit cell था तो हमें atom कहाँ कहाँ दिखे? सारे corner पे। तो ये सारे कॉर्नर जोड़ के हमने इसे निकाल लिया, अलग कर लिया। तो ये जो सारे कॉर्नर है, सारे कॉर्नर होंगे तभी बॉडी बनेगी, नहीं तो बॉडी बनेगी कैसे इसकी? अब हमने कहा बॉडी सेंटर्ड, तो सारे कॉर्नर पे लगे हैं, उसके बाद एक एटम बॉडी के बीचों बीच लगा है, यानी कहां लगा है? सेंटर ऑफ बॉडी। तो भैया ये ध्यान रखिएगा, ऑल कॉर्नर तो सभी में है, ऑल कॉर्नर तो सभी में है, ठीक है, और ऑल कॉर्नर्स के साथ में यहाँ कहाँ और है? सेंटर ऑफ बॉडी। अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये वर्ड बोलने लायक, या अगर किसी से पूछे ये कहाँ होता है बॉडी सेंटर, कहाँ होता है, बोले सेंटर में होता है, ठीक है, ये अपने आप ही बता रहा है ये कहाँ है।
ये पूरी बॉडी है, इसका एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे हर तरफ की एच का डिस्टेंस या दूसरे एटम का डिस्टेंस इक्वल दिख रहा होगा, वो बॉडी का सेंटर पॉइंट कहलाएगा। तो ये बॉडी सेंटर है, क्लियर है। तो जैसे ये कमरा है, इस कमरे के एकदम बीचों बीच में फुटबॉल लगा दी जाए, तो वो फुटबॉल यहाँ लगी है और कुछ फुटबॉलें ये किनारों में लगी है, ठीक है। तो वो जो अगर सेंटर पे लगा है तो इस फुटबॉल से दूरी जितनी है उतनी इधर की फुटबॉल से दूरी होगी, उतनी इधर। तो ये हो गया बॉडी सेंटर। भैया बॉडी सेंटर का जो फोटो आएगा, ये आएगा तो कई बार आगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये फोटो कहना चाहते हैं, ये बॉडी के अंदर एक आइटम है और बाकी कॉर्नर्स में तो है ही है। बताओ बच्चों, फेस सेंटर, फेस सेंटर, आप अपना दिमाग भी चलाइए। कॉर्नर पे तो एटम है ही है, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ है, सेंटर ऑफ ऑल फेसेस। तो यहां पे भी ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ ऑल फेसेस, सारे फेसेस के सेंटर पे होंगे। मतलब ये अगर क्यूब है तो यहाँ पे भी एटम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। छह फेसेस क्यूब में होती हैं, तो छह फेसेस के सेंटर पे है। डन बच्चों, ये बेसिकली अगर मैं क्यूब की बात करूं तो बॉडी सेंटर में नौ लैटिस पॉइंट है। आया समझ में क्या कह रहा हूं, नौ लैटिस पॉइंट का क्या मतलब है? आठ तो कॉर्नर पे आइटम थे और एक कहां था, बीच में। तो ये वाले जो वर्ड है कि एटम की जो पोजीशन है उसे केमिस्ट्री में कहते हैं लैटिस पॉइंट। एटम जहां जहां पाए जाते हैं वो लैटिस पॉइंट होते हैं। तो बॉडी सेंटर में लैटिस पॉइंट कितने होंगे, नाइन इन जनरल। फेस सेंटर में लैटिस पॉइंट बेटा कितने होंगे, कॉमन सेंस, आठ कॉर्नर है और छह फेसेस हैं, इसलिए 8 + 6 = 14। जनरल भाषा में हमारे दिमाग में क्यूब होगा, तो क्यूब में 14 फेस सेंटर्ड हो जाएंगे या लैटिस पॉइंट नेट 14 होंगे। अच्छा बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है एंड सेंटर। एक्चुअली यहां है कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेस, कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ अल्टरनेट, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज है, कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेस। अच्छा जनरली दिमाग में अल्टरनेट का मतलब क्या आता है, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, तो फेसेस छह हैं। तो जो बच्चा ऐसे सोचता है कि भाई कॉर्नर हो गए आठ, छह फेसेस हैं, तो वो जल्दबाजी में सोच लेता है तीन में है तीन में नहीं है, तो कहने लगता है आठ और तीन ग्यारह, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छह फेसेस एक के बाद एक थोड़ी लगी है। अरे भैया छह फेसेस तो क्यूब में लगी है। अब जरा यहाँ अल्टरनेट लगा के देखो, अल्टरनेट मतलब एक एटम मैंने कह दिया इस वाली फेस पे है, तो दूसरा एटम कहां आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ सामने, और कहीं आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऊपर लगाओगे तो ये अल्टरनेट नहीं होगा, तुम इधर लगाओगे तो अल्टरनेट नहीं होगा, इधर भी अल्टरनेट नहीं, इधर भी नहीं है। तो यहां लगाने के बाद ऊपर छोड़ के वहां आए तो यही तो अल्टरनेट आया। तो अल्टरनेट जब यहां फेस कहते हैं तो इस अल्टरनेट के लैटिस पॉइंट सिर्फ दो हो गए और कॉर्नर के लैटिस पॉइंट वही आठ हो गए, इसलिए टोटल लैटिस पॉइंट यहाँ कितने हैं, दस। और ये क्वेश्चन अच्छे टीचर्स मतलब डायरेक्ट फंसाने के लिए पूछते हैं कि भाई एक क्यूब है और उसमें अल्टरनेट फेस के सेंटर पे आइटम लगा है, तो बताओ फेस सेंटर की वजह से कितने आइटम है, ये अभी आएगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अल्टरनेट कहने का मतलब सिर्फ दो फेसेस आएंगी क्यूब की, तीन फेसेस नहीं आएंगी। अल्टरनेट ये मत सोच लेना छह फेसेस थी, तीन में है तीन में नहीं है, ये नहीं होगा अल्टरनेट। वो तब होता जब वो लाइन से ऐसे लगे होते ब्रेक डांस करते हुए, है ना, अभी ये ऐसे नहीं है, अभी कैसे है? ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहे, कोई डाउट? ठीक है, लैटिस पॉइंट क्लियर, ये वर्ड क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा, क्रिस्टल्स हैं कितने टाइप के, ठीक है। तो लिखे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड on the basis of edge length and interaxial angle, एक तो edge length हुई और दूसरा interaxial angle, on the basis of edge length and interaxial angle, ठीक है, crystals are of following type, ठीक है, crystal कितने तरह के वो अभी देख लेते हैं। बच्चों इसमें crystal 7 types के शुरू में मिले, कौन कौन से 7 मिले? पहला क्रिस्टल मिला हमारा क्यूब, क्यूब, ठीक है। अब कोशिश करना 5 मिनट खाली बोर्ड को देख लो, 5 नहीं तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन गारंटेड है
दस मिनट बाद जब लिखोगे तो आपको रटा होगा, और अगर तुम अभी साथ साथ लिखोगे, करके देख लो, चाहे एक दो बच्चे साथ साथ लिखते हैं, वो दस दिन के बाद भी उन्हें याद नहीं होगा, और जो पांच दस मिनट अभी इन्वेस्ट कर लेंगे उन्हें यही याद हो जाएगा, फिर वो लिख के भी देख लेंगे, फिर हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो क्यूब जिसे कहते हैं, तो जो तीन फेसेस हैं, तीनों फेसेस, ठीक है, जिसे एजेस कहा था हमने, सॉरी, तीन एजेस जो हैं, तीनों एजेस बराबर हैं, ए बी सी तीनों एज बराबर हैं, और जो तीन एंगल हैं अल्फा बीटा और गामा, याद आ गया कौन से, अल्फा बीटा गामा भी बराबर हैं और सब 90 है, तो सारी फेस बराबर है, सारे एंगल बराबर हैं और सारे एंगल 90 है, इसे कहते हैं क्यूब। जब तक इसका फोटो दिमाग में नहीं आएगा तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसका फोटो दिमाग में क्या आना है आपका, जैसे पासा होता है लूडो का डाइस, ठीक है, उसे क्यूब कहते हैं। अब लूडो का डाइस थोड़ा छोटा है, समझ में आया, आइस क्यूब, ठीक है, और भी कई जगह आपने क्यूब देखे होंगे, तो लूडो के डाइस को जरा एक बार एनलार्ज करके सोचो क्या कहना चाह रहे हैं। ये लूडो का डाइस समवॉट ऐसा होता है, और इसमें सारी साइड एक जैसी होती, सारे एंगल 90 भी होते हैं, तो ये एक तरीके से क्यूब बनता है, और इसमें कहां कौन सा नंबर लिखा है पता नहीं, इज इट क्लियर। अब वो ज्यादा दिमाग मत लगाना, एक आप कहता अच्छा शकुनी का पासा इसमें आएगा नहीं आएगा, ठीक है, अब भाई शकुनी के टाइम पे हम तो थे ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं, और जितनी रामायण महाभारत इसमें या जो भी है उसमें दिखाई गई है टीवी पे, उसमें वो क्यूब नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ा लेंथ में दिखता है वो पासा, ठीक है, अब शकुनी से पूछेंगे जाके बाद में, अभी यहाँ क्लियर है क्यूब क्या है। मतलब इसमें टाइम लगाना जरूरी इसलिए है, जितना आप टाइम अभी इस पे लगाएंगे आपके अगले क्रिस्टल याद होते जाएंगे तुरंत। तो क्यूब समझ में आ गया, पासा दिमाग में आ गया, ठीक है। अब बहुत क्यूट है ये, बहुत क्यूट है, टेट्रागोनल। अब भैया क्यूट का मतलब समझ में आया, इसी ऑर्डर में याद रखना है, पहला क्यूब है और दूसरा टेट्रागोनल, तो दूसरे का नाम टेट्रागोनल है, इट इज वेरी क्यूट, ओके। अब यहां पे टेट्रागोनल में इस क्यूटनेस ये है कि भैया एंगल सारे 90 हैं, तो सब परपेंडिकुलर, सबके सब क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन साइड दो इक्वल हैं और एक इक्वल नहीं, ठीक है। थोड़ा सा शकुनी का पासा अब सोच के देखो, शायद शकुनी का जो पासा है, शायद कह रहा हूं, ठीक है, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी उससे, तो शायद जो शकुनी का पासा है वो ऐसा दिखाया जाता है, तो उसमें मान के चल रहे हैं ये और ये साइड इक्वल है दो, और ये वाली साइड थोड़ी लंबी है, तो दो साइड इक्वल है और तीसरी बड़ी है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल क्या है, एंगल सारे क्या है 90 डिग्री और साइड कितनी बराबर है दो, ठीक है। तो शुरू के दो में एंगल में कोई अंतर नहीं, साइड में अंतर है, पहले सारी साइड बराबर थी, फिर एक हटी, अभी दो बराबर है। जो तीसरा है क्यूब टेट्रागोनल, इसी ऑर्डर में याद कराऊंगा, तीसरे का नाम है बेटा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और इसे बुक वाले ऑर्थोरोम्बोहेड्रल भी कह देते हैं, बात वही है, ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, प्रताप सिंह चौहान, सूर्य प्रताप सिंह चौहान, मतलब एक लंबा चौड़ा नाम है, याद रखना है ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बोहेड्रल समझ में आना चाहिए, क्या होगा ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, अब साइड कोई भी इक्वल नहीं है, भैया अंतर करते जा रहे हैं ना, यही तो पढ़ रहे हैं, अब साइड कोई भी इक्वल नहीं है और एंगल अभी भी 90 डिग्री, जैसे माचिस की डिब्बी सोचो बेटा, माचिस की डिब्बी जनरली शायद ऑर्थोरोम्बोहेड्रल होगी, क्यों, जनरली माचिस की डिब्बी थोड़ी सी लंबी दिखती है और रेक्टेंगुलर दिखती है, और रेक्टेंगुलर दिखने का तो उसकी थिकनेस और कम होती है, तो इसका मतलब तीनों साइड अनइक्वल है और एंगल सारे क्या है 90 है, तो ये है ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, साइड कोई भी इक्वल नहीं है लेकिन एंगल सारे 90, ठीक। चौथा क्रिस्टल, ये अधिकतर बच्चे भूलते हैं, ये वाला क्रिस्टल मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों से जब क्वेश्चन पूछो तो ये वाला उनका आंसर गलत आता है, इसका नाम है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, अब यहां से आगे चल रहे हैं, यानी साइड तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो जब भी क्लिनिक शब्द आ जाए तो याद रखना क्लिनिक जो डॉक्टरों के होते हैं उसकी साइड कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, क्या याद रखना है, तो डॉक्टर करते क्या, बोले अच्छा ये जरा सी जगह बची इस पे कमरा बना दे,
बोले इसमें क्या लंबाई चौड़ाई आएगी नहीं आएगी, बोले ना क्लिनिक में कोई लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, क्लिनिक है तो क्लिनिक में साइड कोई भी इक्वल नहीं, और दो एंगल अभी 90 है, जैसे बुक्स में कई जगह लिखा है अल्फा गामा 90 है और बीटा या कोई एक एंगल 90 नहीं, बस अभी आपको ये याद रखना है दो एंगल 90 है और एक नहीं है, और ये एक नहीं को याद करना है मोनो से, मतलब मोनो का मतलब वन होता है ना, तो मोनो का मतलब 190 नहीं है, और क्लिनिक का मतलब साइड कोई भी इक्वल नहीं। पहले चार में कोई दिक्कत, पहला क्या था क्यूब, सबसे सरलतम, ये मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल भी कहलाता है, सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर, और सबके सब क्या है 90 भी है तो क्यूब है। टेट्रागोनल क्या है, साइड सारी बराबर, सारी बराबर, तो गर्दन क्यों हिलाता है, सोच के बोलो ना, एंगल सारे बराबर, साइड दो इक्वल है एक नहीं है। ऑर्थोरोम्बोहेड्रल क्या है, एंगल अभी भी 90 है लेकिन साइड कोई भी इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक क्या है, साइड इक्वल नहीं है, दो एंगल कोई भी दो एंगल 90 है और एक 90 नहीं। पहले चार क्लियर है, तो यहीं तक कंफ्यूजन होता है, इसके आगे तो बहुत सरल है। पांचवा है बेटा, इसका नाम है ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, ए बराबर के बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। बोलो बेटा क्लियर है, बोलो क्लियर, ये तो है नहीं, क्यों नहीं है, ये तो क्यूब हो गया, ये तो क्या हो गया क्यूब। अच्छा ये बताओ, अभी हमने मोनो क्लिनिक में क्या कहा था, क्लिनिक जब भी आएगा तो साइड इक्वल नहीं होगी, तो काहे इक्वल करें। अच्छा मोनो का मतलब क्या कहा था, एक एंगल 90 नहीं होगा, ट्राई का मतलब तीनों 90 नहीं होंगे और कोई आपस में इक्वल भी नहीं होगा, मतलब ये पुराने जमाने की कथा है इंडिया की, तीन सिगाड़ा, ये काम बिगड़ गया, कुछ भी इक्वल नहीं है, ना कोई साइड इक्वल, ना कोई एंगल इक्वल, ना कोई 90, यानी ये क्यूब का अपोजिट है, क्यूब पूरब है तो ये पश्चिम है, यानी ये क्यूब का क्या है रिवर्स, एकदम अपोजिट। तो ट्राई क्लिनिक याद रहेगा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा से याद रहेगा। बोलो बेटा क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है, दिख रहा है। नेक्स्ट ट्राई क्लिनिक के बाद अगला है रोम्बस, रोम्बस को रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, ठीक है, रोम्बोहेड्रल बोलने में लगता है हम कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, रोम्बस क्या होगा तो भी वही आएगा। रोम्बस क्यूब को ही कहते हैं, अगर मैथमेटिक्स जानते हो, क्यूब और रोम्बस एक ही चीज होती है मैथ में, खाली अंतर क्या होता है, क्यूब में सारी साइड इक्वल, रोम्बस में भी इक्वल, क्यूब में सारे एंगल इक्वल, रोम्बस में भी सारे एंगल इक्वल, बस क्यूब में सारे एंगल 90 होते हैं, यहाँ एंगल इक्वल तो है, अगर एक 72 डिग्री का है तो सारे 72 तो है लेकिन 90 नहीं है, तो क्यूब एंड रोम्बस आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज एंगल्स आर नॉट 90। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट एंड लास्ट इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल को जनरली हम कहते हैं ग्रेफाइट से याद रखो, ग्रेफाइट से कैसे याद रखें बच्चों, क्या आपको याद है ग्रेफाइट में ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, डायमंड में टेट्राहेड्रल होती हैं और ग्रेफाइट में हेक्सागन, और जब आप ग्रेफाइट का हेक्सागन बनाओगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कार्बन की तीन वैलेंसी ही जुड़ी है, चौथी नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, और ऐसे ही ये नीचे की लेयर आएगी, ठीक है। फिलहाल समझना क्या है, किसी भी पॉइंट से जब हम देखेंगे तो उस पॉइंट से दो एक्सेस तो बराबर दिखेंगे, ठीक है, अगर आप परफेक्ट हेक्सागन बनाएंगे तो किसी भी पॉइंट से दो एक्सेस बराबर दिखेंगी, एजेस, लेकिन एक एज जो नीचे वाली है वो लंबी दिखेगी, क्लियर है, तभी तो स्किड कर जाती है, और दो एंगल 90 दिखेंगे जबकि एक एंगल 120 दिखेगा, जो अंदर हेक्सागन के एंगल बन रहा है वो कितना है 120 और बाकी एंगल क्या है 90, तो आप यहां कह सकते हैं दो साइड तो बराबर है लेकिन एक साइड बराबर नहीं, सब समझ में आया, दो साइड बराबर है और एक बराबर नहीं है, और दो एंगल 90 हैं और एक एंगल 120 है। बोलो क्लियर है हेक्सागन। तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है इसमें बच्चों, इसमें क्वेश्चन कई बार कंपैरिजन में आ जाता है,
जैसे उन्होंने कहा बताओ हेक्सागन और टेट्रागोनल में कंपेयर करिए, कंपेयर क्या चीज कॉमन है क्या चीज कॉमन नहीं है। तो हेक्सागन और टेट्रागोनल में एजेस रिलेशन सेम है, क्या सेम है कि दो एजेस इक्वल है, एक नहीं दो एजेस इक्वल है, एक नहीं। क्या डिफरेंट है, हेक्सागन में दो एंगल 90 थे लेकिन एक 120 था, जबकि टेट्रागोनल में तीनों एंगल क्या थे 90। बोलो आया समझ, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, या और कोई कंपैरिजन? जैसे उन्होंने मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक में कहा क्या सेम है क्या डिफरेंट है, तो भैया मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक में ये चीज सेम है, साइड कोई भी इक्वल नहीं है। डिफरेंट क्या है, मोनोक्लिनिक में एक एंगल 90 नहीं है बाकी दो 90 है, ट्राई क्लिनिक में तीनों 90 नहीं है। कई बुक्स में ये भी लिखा है कि मोनोक्लिनिक का जो एक एंगल 90 नहीं है वो 120 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कह रहे हैं 90 नहीं है तो कुछ भी है, मे बी 120 है। बोलो क्लियर है? अब जैसे मैंने इसे ना मिटाया, अब ये देखो यहां से इसे रब कर रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दी आपको नाम नहीं याद होंगे इसलिए मैंने नाम नहीं रब किए हैं, और एक बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखिएगा तो आगे जो हमें पढ़ना है वो भी इजी हो जाएगा। अब मैंने ये पूरा ही मिटा दिया यहां तक, नाम को छोड़ के। अब बच्चों ये सातों क्रिस्टल आप लिखें, पहला क्यूब, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा ट्राइक्लिनिक, छठा हेक्सागोनल और सातवां ऑब्वियसली दैट इज रोम्बस रोम्बोहेड्रल। किसी को आगे पीछे लिख लो चलेगा। तो ये सातों में अब आपको खुद लिखना है, एक मिनट का टाइम दूंगा, एज का क्या रिलेशन है और एंगल का क्या रिलेशन है। करिए बेटा, ठीक है, चलिए मैं आपकी कॉपीज में देख ले रहा हूं जो यहां बैठे हैं तो फिलहाल, और बाकी जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी लिख ही लीजिएगा। ठीक है, करते जाओ। अब देखो भैया तुम्हारा क्या है, जो मुझे दिख रहा है तुमने रोम्बोहेड्रल में 120 दिखा दिया, रोम्बोहेड्रल क्यूब को ही तो कहते हैं, टिल्टेड क्यूब को, उसमें 120 कहां पढ़ाया, कैसी बातें कर रहे हो। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब यार तुम नोट्स खोल के बैठे हो तो लिख ही लोगे ना, इसे बंद करके बैठो अभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सॉरी, वेरी नाइस, अच्छी बात है, आप सभी ने सारे ही सही लिखे हैं, एकाध जने को छोड़ के बाकी लगभग सारे ही सही। एकाध क्वेश्चन बेटा अपने आप लिख लीजिए, इसमें क्वेश्चन क्या था, कंपेयर, कंपेयर कहने का मतलब होता है कि एक सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी बताना। ठीक है, कंपेयर बिटवीन हेक्सागन एंड, कंपेयर बिटवीन हेक्सागनल एंड टेट्रागोनल क्रिस्टल। कंपैरिजन में ऑब्वियसली जहां कुछ ना कुछ सेम होगा वहीं कंपैरिजन पूछा जाएगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश फीचर जहां होगा, जैसे क्यूब और रोम्बस में पूछ लें तो क्यूब में क्या कहेंगे आप, सारी साइड इक्वल है, रोम्बस में भी इक्वल है। क्यूब में कहेंगे सारे एंगल 90 हैं, रोम्बस में कहेंगे एंगल 90 नहीं। क्यूब में और रोम्बस में दूसरा क्या है, सारे एंगल इक्वल दोनों में होते हैं, बस
क्यूब में 90 भी होते हैं, रोम्बस में 90 नहीं है, ठीक है। अब बच्चों अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टल चार तरह के होते हैं, चार कैसे, एक सिंपल होता है, एक फेस सेंटर्ड होता है, एक बॉडी सेंटर होता है और एक एज सेंटर। तो क्रिस्टल कितने तरह के हैं? चार, ठीक, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। तो क्रिस्टल चार तरह के हैं और एजेस के हिसाब से, मतलब एज और एंगल के। अच्छा, ये चार तरह के किसके बेस पे, ये किसके बेस पे चार तरह के हैं? पोजीशन ऑफ एटम्स या लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट की पोजीशन है। और ये सात तरह किसके बेसिस पे हैं? एज और एंगल के, ठीक है। तो टोटल क्रिस्टल मिलने चाहिए 28 टाइप्स के, सात, ये चार गुना, ठीक है। लेकिन नेचर में मिले हैं सिर्फ 14 क्रिस्टल, सिर्फ 14 क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, बाकी स्टेबल नहीं है इसलिए नहीं मिले। मतलब क्या है, क्यूब तीन तरह का मिला है, सिंपल क्यूब होता है बेटा, बॉडी सेंटर क्यूब होता है, फेस सेंटर क्यूब होता है, लेकिन क्यूब में, नेचर में एंड सेंटर क्यूब एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कोई लॉजिक या रीजन नहीं है, पूछोगे तो भी यही आएगा, भैया जो मिला वो ये है। तो नेचर में क्रिस्टल टोटल मिले हैं 28, मिलने कितने चाहिए, सॉरी मिलने चाहिए 28, मिले हैं 14। और उन 14 को याद करने का ये तरीका है 3 2 4 2 1 1, 3 2 4 2 1 1, ये मिले हैं। मतलब क्यूब तीन तरीके का मिला है, इसीलिए मैंने कहा इसी ऑर्डर में लिखना, क्यूब तीन तरीके का मिला है, टेट्रागोनल दो तरीके का मिला है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बोहेड्रल फलाने सिंह राठौर, तो फलाने सिंह राठौर चारों तरीके के हैं। इसीलिए हमने पहले ही इसके नाम लेते समय ये कहा था, यहाँ ये कोई भारी बलकम है, ये चारों तरीके के मिला है, अकेला एक ही क्रिस्टल है जो चारों तरीके का मिलता है। और सिंपल सभी के होंगे, तो बच्चों अगर एक कॉमन सेंस रखो तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें याद क्या करना है, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा रहेगा कि भैया आखिरी के टीम की तो टेंशन ही नहीं है, वो तो एक ही टाइप के हैं, तो उनके ये टाइप तो है ही नहीं, बात ही खत्म। तो बस याद क्या करना रह गया, जो चार है उसमें भी नहीं याद करना, वो तो चारों तरीके का है। क्यूब हमारे कोर्स में है और क्यूब हमारे कोर्स में इतना अच्छा बस जाएगा आपके दिमाग में, जब मैं आपको अगली बार पढ़ाऊंगा बॉडी सेंटर, तो आधे बच्चे बॉडी सेंटर के साथ क्यूब अपने आप जोड़ देंगे, देख लेना। अगली बार पढ़ोगे तो यहां लिखना होगा बॉडी सेंटर, तो बोल रहे होगे बीसीसी, वो हो गया बॉडी सेंटर क्यूब, और अभी तो जनरल बॉडी सेंटर बोल रहे हैं ना, तो बॉडी सेंटर क्यूब जब हो तो बीसीसी बोलना है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको क्यूब याद हो जाएगा, तीन तरह का है क्योंकि चैप्टर में बार बार है। तो अब असलियत में सिर्फ ये दो याद करने बचे, ये और ये कौन कौन से दो तरह के हैं। तो भैया हमने ऐसे याद रखा है, ये ऐसे याद किया है, और इसको अभी बता देता हूं हमने कैसे याद कर रखा है अपने दिमाग में, कि भैया सिंपल तो सभी का होना ही होना है, तो टेट्रागोनल में बस ये याद करना दूसरा कौन है, समझ में आ रहा है, दूसरा कौन है सिंपल के अलावा, बॉडी सेंटर। टेट्रागोनल में दूसरा कौन है, बॉडी सेंटर, टी फॉर टेट्रागोनल, बी फॉर बॉडी सेंटर, टीबी याद कर लो, बीमारी भी है ना, टीबी, टीबी मतलब टेट्रागोनल, सिंपल तो है ही है, दूसरा कौन सा है, बॉडी सेंटर, ठीक है। सोनी के लैपटॉप में मी लिखा आता है, एम ई, मोनोक्लिनिक में सिंपल तो है ही है, दूसरा कौन है, एंड सेंटर, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर मिलता है और सिंपल मिलता है, और टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर। या अगर कोई कहता है एंड सेंटर है कहां, तो एंड सेंटर सिर्फ दो जगह है, कहां है एंड सेंटर दो जगह, एक तो फलाने सिंह राठौर में है ही है, उसमें वो तो सभी में है, ठीक है, और दूसरा मोनोक्लिनिक। तो ऑर्थोरोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, इन दोनों में एंड सेंटर है, मिटाई दूं, सारे क्लियर है। टोटल क्रिस्टल 14, और 14 भी कौन कौन से हैं इनमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, 14 क्रिस्टल जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, 3 2 4 2 1 1। वैसे
12th स्टैंडर्ड में जो इस साल पेपर आएगा, आई एम 101% श्योर, डैम श्योर, ऐसी कोई चीज नहीं आएगी। ये कहलाती है डीप स्टडी। ये डीप स्टडी क्यों है बेटा? जब आपसे ना पूरा कोर्स हो जाए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का या बायो का, उसके बाद कोई पूछे कि बताना जरा सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल 14 टाइप के थे उसमें से टेट्रागोनल के कौन कौन से थे, जब बहुत पढ़ाई हो जाती है तो ये वाले पॉइंट, क्योंकि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, तो ये भूलने वाले हैं। तो ये डीप स्टडी है, ये तभी क्वेश्चन आते हैं जब एक एक दो दो चैप्टर के टेस्ट हों, तब पूछते हैं या कॉम्पिटिशन में पूछते हैं, ठीक है। और जब बड़ा पेपर होता है तब बहुत सारे चैप्टर्स का आना होता है, तो इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लॉजिकल चीजें वो आती है, ठीक है। फिलहाल ये सारे क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। कॉपी बंद करके सब पूछूंगा, बता लोगे, सब देख के तो बोल ही लोगे, वैसे भी बता लोगे, ठीक है। अब आ रहे हैं हम इसका जो मेन पॉइंट है, यहां से चैप्टर शुरू होगा। अभी तक जो वाला जो आपने पढ़ा है उससे चैप्टर के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनते, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इससे क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से असलियत में चैप्टर उठेगा, ठीक है। लिखें बेटा, यहां अगली हेडिंग है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट डिफरेंट पोजिशन। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, एटम का मतलब भैया हमेशा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है हमारा, कंस्टिट्यूएंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट पोजिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट पोजिशन, ठीक है। और इन जनरल पोजिशन अभी आपने तीन देखी है, आपने अभी तीन पोजिशन देखी है बेटा, समझ में आया कौन सी तीन पोजिशन देखी? अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने तीन पोजीशन देखी हैं, कौन कौन सी? एक फेस सेंटर, एक बॉडी सेंटर, गलत, मुझे इसीलिए लग रहा था कि अभी तुम गलत डायरेक्शन में हो। आपने तीन पोजीशन देखी हैं, पहली पोजीशन है कॉर्नर, दूसरी पोजीशन है फेस का सेंटर, और तीसरी पोजीशन थी बॉडी का सेंटर। और जो तुम एंड सेंटर बोल रहे हो, दिमाग लगा भाई, एंड सेंटर है तो फेस का ही सेंटर, समझ में आया? तो बेसिकली लैटिस पॉइंट की तीन पोजीशन होती है, लैटिस पॉइंट की तीन है, लेकिन हम अपनी भाषा में चार बना के करेंगे, जिससे कि आगे के न्यूमेरिकल, मतलब चैप्टर के लास्ट तक के न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो हमने चार पोजीशन बना रखी है, लेकिन ध्यान रखना है होती तीन ही है। कौन कौन सी तीन पोजीशन होती है? कॉर्नर होती है, फेस सेंटर होती है, और बॉडी सेंटर। हम यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन? कई बार किया होगा, ठीक है। सपोज आप दो जने दोस्त खाने गए, पिज्जा आपने लिया, एक पिज्जा लिया, दो दोस्त हो, दोनों ने आधा आधा पिज्जा खा लिया, अब कंट्रीब्यूशन करना बिल में, कितना कितना? आधा आधा पिज्जा, आधा आधा खाया, आधा आधा बिल में कंट्रीब्यूशन, समझ में आया? कोई बेमानी नहीं, ठीक। दो जने गए, पिज्जा आया, एक ने कहा चलो मैं वॉशरूम हाथ पाथ धो के आता हूं, तब तक दूसरे ने पिज्जा पूरा लपेट दिया, ठीक है। वो लौट के आया, ये हाथ झाड़ रहा था, बोले हाँ ठीक था, मजेदार नहीं था। अब बिल आया, अब ये कह रहा है कॉन्ट्री कर, तो क्या दूसरा कॉन्ट्री करेगा? अब कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, ये पूरा बिल तेरा भाई, जब तूने लपेटा है तो तू ही बिल देगा। इस चीज को दिमाग में ले जाना, पिज्जा ध्यान है ना, किसे कहते पिज्जा ध्यान है, ठीक, उसे दिमाग में ले जाना। खाने के लिए नहीं कह रहा हूं यार, एक हाथ कह रहा है याद नहीं आ रहा, मंगवा लो जरा, ठीक है, ठीक है। फिलहाल कंट्रीब्यूशन का मतलब तो समझ में आ गया, अब इस चीज को केमिस्ट्री में अप्लाई करना, तो देखना एक सेकंड में चीजें समझ में आएंगी। हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये एक क्यूब है, जहां तुम बैठे हो ये कमरा एक क्यूब है, डन। और एक फुटबॉल आई, वही पिज्जा, उस कमरे के बीच में फुटबॉल लगा दी गई, डन। अब मैं कह रहा हूं इस फुटबॉल का कितना हिस्सा उस कमरे में गया, कितना उस कमरे में गया? कुछ भी नहीं गया, पूरा कंट्रीब्यूशन यहीं का यहीं है। तो अगर कोई एटम बॉडी के सेंटर में होगा तो बाकी क्यूब में कोई भी हिस्सा नहीं जा, एकदम क्लियर है? कॉमन सेंस, दूसरा कॉमन सेंस लगाना। ये बॉल पिज्जा या फुटबॉल थी, ये मैंने यहां से उठाया, ध्यान से देखना, यहां से उठाते उठाते लाया, इस दीवार को तोड़ा, इसे बीच में लगा दिया, एकदम दीवार के एकदम बीच, डन। वो फुटबॉल दीवार के बीच में, मतलब एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, ये वॉल थी, यहां पे बॉल लगी, तो ये वॉल के बीच में लगा है, मतलब फेस के सेंटर पे है।
अब बताओ इस स्पेस के सेंटर में जो एटम लगा है उसको अगर मैं काटूं तो इस कमरे में कितना हिस्सा जाएगा, इस कमरे में कितना हिस्सा जाएगा? कॉमन सेंस, हाफ हाफ। तो स्पेस के सेंटर में जो एटम लगा होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। क्यों हाफ है, हाफ क्यों है? तो इसका आंसर होगा स्पेस इज शेयर्ड बाई टू यूनिट सेल। जो स्पेस है वो दो यूनिट सेल शेयर करते हैं, इसलिए वहां कोई भी चीज लगी होगी वो दोनों को मिलेगी, आधी आधी चली जाएगी। डन, क्लियर? अगली पोजीशन जो बता रहा हूं वो बुक्स में पोजीशन नहीं है, वो वॉइड होती है, लेकिन हमारे लिए पोजीशन। फिर से स्टार्टिंग करेंगे हर बारी। बॉडी के सेंटर से एटम उठाया, कहां ले आए? फेस सेंटर। अब ये एटम उठाया एकदम एज 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 के सेंटर पे ले गए, ये जो एज है इसके सेंटर पे ले गए। समझ में आया? फिर से सोचो क्या कह रहा हूं। ये यूनिट सेल था, ये फेस सेंटर थी, ठीक है? यहां से एटम उठा के यहां ले आए, ये एज सेंटर है। अब ये कितनों से शेयर्ड? चार से। कैसे? एक ये है, एक इधर भी होगा, दो, एक इसके ऊपर एक इसके उधर, तो ये लाइन चार से शेयर होगी, ये वाली लाइन चार से शेयर है। और अगर ये चार से शेयर है तो यहां का कंट्रीब्यूशन 1/4, यहां जो एटम आएगा एक चौथाई आएगा, लेकिन ये वाला जो एक चौथाई वाली बात है ये बुक्स में नहीं दी होगी यहां पे। क्यों नहीं दी होगी? क्योंकि बुक्स तो लैटिस पॉइंट मानती है, जबकि ये लैटिस पॉइंट नहीं, ये एक वॉइड होता है, ये आगे आएगा, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, क्वेश्चन 1/4 से ही करने, ठीक है? तो भैया स्टार्टिंग से बॉडी के अंदर है तो किसी से शेयर नहीं, फेस तक आया तो दो से शेयर हो गया, एज के सेंटर पे गया तो और दुगने हो गए, चार से शेयर हो गया, कॉर्नर पे जाएगा तो आठ से शेयर हो जाएगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। दिख गए कैसे हैं? आठ दिख गए कैसे हैं? यहां जो कॉर्नर पे एटम होगा चार अपनी लेयर में, चार यहां और चार ही ऊपर, तो यहां जो कॉर्नर का एटम होगा वो आठ यूनिट सेल में जा रहा होगा, और आठ में अगर जाएगा तो 1/8 1/8 सब में आएगा। तो कंट्रीब्यूशन सारे क्लियर हैं। हम उल्टा लिखेंगे, हम पहले लिख रहे हैं कॉर्नर, तो कॉर्नर में क्या लिखेंगे? कॉर्नर में हम लिखेंगे इट इज शेयर्ड बाई, कॉर्नर कितने से शेयर्ड होता है? इट इज शेयर्ड बाई एट यूनिट सेल। कॉर्नर जो भी है वो शेयर हो रहा है आठ से, देयरफोर वन यूनिट सेल गेट, कॉर्नर इज शेयर्ड बाई एट यूनिट सेल, देयरफोर वन यूनिट सेल गेट 1/4 एटम, देयरफोर 1 यूनिट सेल गेट 1/4 एटम, ठीक है? जल्दी लिखो, लिख लिया बेटा? देखना इसकी कॉपी में क्या लिखा है, आखिरी लाइन 1/8 कितने लिखा है? 8 ही लिखा है, वेरी गुड। तुमने कितना लिखा है? 8। देखना जरा कॉपी क्या लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है इनने, हैं? क्यों बे इतनी देर से ऐसे गला फाड़ के पढ़ा रही है हमें? अब तो सोचो ये ऑनलाइन तो है नहीं, इसमें तो आमने सामने बैठे चपत खा जाओगे भाई। ऑनलाइन में तो नहीं चलता ना ये वाली ट्रिक हमारी, ऑनलाइन में तो हम खाली बोल रहे हैं, अब जो घर पे बैठे उनको थोड़ी जाके चपत मार लेंगे, लेकिन तुम्हें तो पड़ जाएगी चपत। और जब लिख रहे हो कम से कम होशो आवाज में लिखो, है नहीं है? क्या लिखा तूने? वेरी गुड, 1/8 है ना, बाकी सबने सही लिखा, तो 1/8 आना है यहाँ पे, ठीक है? सही करो, सही करो, वेरी गुड। चलो कॉर्नर का हो गया। अच्छा इन जनरल बात कर रहा हूं, क्यूब में कितने कॉर्नर है? आठ कॉर्नर। एक कॉर्नर में कितना आइटम आया? 1/8। अगर आठों कॉर्नर पे लगा है तो क्यूब में कॉर्नर की वजह से वन कंट्रीब्यूशन होता है। क्यूब में आठ कॉर्नर है, हर कॉर्नर में 1/8 आइटम है, तो टोटल 1/8 1/8 1/8 सारे जोड़ेंगे तो टोटल वन आइटम का कंट्रीब्यूशन। बोलो आया समझ में? ठीक बेटा, थोड़ा सोच के बताना, हेक्सागन क्रिस्टल है, थोड़ा सोचना, हेक्सागन क्रिस्टल है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ये कंपटीशन का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आना चाहिए। हेक्सागन क्रिस्टल में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बोल बेटा,
अच्छा टोटल कंट्रीब्यूशन बता रहे हो वन वन बाय सिक्स एक एटम का तो बताओ बाद में टोटल का बताओगे अच्छा ऑनलाइन वाला कोई बच्चा बताना चाह रहा है एक मिनट बोल ले उनकी भी बोलो बेटा ऑनलाइन में कोई बोल अरे वेरी गुड बहुत बढ़िया प्रभाव सही आंसर टाइप किया आपने वेरी नाइस तो जो थोड़े बहुत अवेयर हैं बिल्कुल सही आंसर दिया इन लोगों ने ये भैया हेक्सागन होता है और हेक्सागन में अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर तीन से जुड़ा होता है ठीक है ये जैसे कॉर्नर है तो ये एंगल 120 है क्योंकि ये भी 120 है ये भी 120 है तो कॉर्नर अपनी लेयर में कितनों से जुड़ा है तीन से तो तीन से ही कहां जुड़ा होगा ऊपर तो टोटल कितने से जुड़ गया छह से भाई जैसे अभी आपने जो देखा है ये 90 डिग्री एंगल था ना अभी इस कमरे में एंगल 90 डिग्री था ये था तो अभी 90 डिग्री एंगल था तो आपने ये बनाया तो आपने कहा अपनी लेयर में चार से जुड़े चार से ऊपर जुड़े 1/8 इसलिए आया हेक्सागन में वो अपनी लेयर में तीन से जुड़ा है कॉर्नर और इसलिए तीन से ऊपर जुड़ा है तो टोटल कितने से जुड़ गया छह से तो हेक्सागन का कंट्रीब्यूशन आता है 1/6 और बच्चे हेक्सागन में कॉर्नर कितने होते हैं कॉर्नर कितने होते हैं 12 समझ में आया 12 क्यों 6 ऊपर लगे होंगे 6 नीचे लगे होंगे अभी तो हेक्सागन कंप्लीट होगा तो हेक्सागन में कॉर्नर होते हैं 12 और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 और इसीलिए टोटल कंट्रीब्यूशन 2 कह सकते हो ठीक है लेकिन चलो हेक्सागन से हमें मतलब नहीं फिलहाल आपकी कॉपी में क्या लिखा होना चाहिए बेटा आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए कॉर्नर कॉर्नर में डैश जगह लिखा होना चाहिए इट इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल देयरफोर 1 यूनिट सेल गेट 1/8 ऑफ इट ठीक है एंड उसके बाद 1/8 × 8 = 1 आगे अपने आप लिखना है कॉर्नर मैंने बता दिया अब अपने आप लिखो फेस सेंटर क्या लिखोगे इसी भाषा को बना के इसी भाषा को बना के फेस सेंटर फिर बॉडी सेंटर और आखिरी में एज सेंटर क्योंकि वो एक्चुअल कोई पोजीशन नहीं होती इसलिए तो आखिरी में एज सेंटर ठीक है बता दे रहा हूं मैं अच्छा बता ही दिया अब मैं बार बार के बताऊं आपको आपने अब लिखना था फेस सेंटर में फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल देयरफॉर 1 यूनिट सेल गेट 1/2 और फिर इन ए क्यूब 6 फेसेस आर देयर इसलिए 1/2 × 6 तो टोटल कंट्रीब्यूशन 3 हो गया उसके बाद बॉडी सेंटर ठीक है तो The atom present at body is not shared with any other unit cell. Very good. बच गए तुम चलो बच्चों आज की मीटिंग यहीं तक रखते हैं फोन हमारा गिर चुका है टूट चुका है